पंजाब केपी में आम चूंडन में देर वाले मामले के वरतल पान मुराद नोटिस केस में सुप्रीम कोर्ट है तो नुमाइंदा पंजन साल चूंड जी इंदा तो कें एक शख्स की हिदायत से असेंबली थी तोड़े सर्जे असेंबली तोड़ने भी नोटिस वर्जे। चीफ जस्टिस जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट की नव रुकनी लार्जर बेंच पान मुरादे नोटिस केस की बुधनी कई। लार्जर बेंच में जस्टिस एजाज उल अहसन, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस यया अफरीदी, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस अतर मिनुल्ला शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट पान मुरादो नोटिस केस में टे सवाल उथारा है। पहले सवाल यो तो असेंबली टुटन से चूंडन की तारीख दियण कं की जिम्मेवारी है। बो सवाल यो है तो चूंडन की तारीख दियण जो आइनी अख्तियार कदह कें इस्तेमाल करो है। टों सवाल यो है तो आम चूंडन के हवाले से वफाक सूबन की कड़ी जिम्मेवारी है। अदालत सीसीपीओ गुलाम डोगर बदली केस में जस्टिस एजाज उल अहसन, जस्टिस मजहर नकवी के नोट से पान मुरादो नोटिस वरतो है। बुधनी की शुरुआत से अदालत चो तो असेंबली के टोड़ने का चूंडन की तारीख दियण जो अख्तियार वाजे ना है। पंजाब असेंबली 14 केपी असेंबली 17 जनवरी से टोड़ी वही। आइन के आर्टिकल 224 के सब आर्टिकल 2 तहत चूंडियल असेंबली के टुटण का 90 दिन में चूंडू थियणू हुंदियूं आहिन। आर्टिकल 224 एक टाइम फ्रेम दे तो अदालत चो तो सुप्रीम कोर्ट आइन की भनकड़ी बर्दाश्त न कंदी, चाहूं था तो चूंडू आइन मौजूद थियन। चीफ जस्टिस चो तो अदालत के टे केस बुधना है। सदर पाकिस्तान चूंडन की तारीख जो ऐलान कर छो है। आर्टिकल 224 चवे तो चूंडू 90 दिन में थन्द। सेक्शन 57 तहत सदर चूंडू कराने जो ऐलान किया है। ऐसा है तो सूबाई असेंबली टोड़ने का तारीख दियण जो अख्तियार कें वट है। चीफ जस्टिस जस्टिस उमर अता बंदियाल चो तो चूंडन वे मामले से वजाहत की जरूरत है। असा तवा के बुधन जो इरादो रखू था पर वक्त न होजन सबब बुधनी डिघी न कंदी। तैयारी कियो सूमर का केस की बुधनी थी। बुधनी दौरान जस्टिस जमाल मंदोखेल चो तो पान मुरादो नोटिस से खेस खदशा है। यो पान मुरादो नोटिस नो बणजे। असा वट बिन असेंबली के स्पीकर जो दरख्वास्तू अगवाटी आयल है। पान मुरादो नोटिस जस्टिस एजाज उल अहसन, जस्टिस मज़ाहिर नकवी के नोट से वरतो वो। इन केस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के घुराया वो जो धुरो ही न हो। चीफ जस्टिस चो तो बिन्हीं असेंबली के स्पीकर पे दरख्वास्तों में कुछ सवाल भी शामिल कया पर सुप्रीम कोर्ट के रुगो आइनी नुकतो ढो अमल कराण है। अस रुगो आइन की तशरी और अमल मतलब वेठा हूं। अदालत चो तो अज नोटिस जारी कंदी। मामले के ड्रेग ना दियण चाहूँ और न ही को शक छड़न चाहूँ था। असा बी वगे वेठा हूं और यो असा लाए गैर मामूली है। उन मौके से अटारनी जनरल वक्त दियण की गुजारिश कई जैसे चीफ जस्टिस चो तो सुभाने रुगो कुछ जरूरी मामलों से महदूद हूँ। ईंदड़ हफ्ते केस की तफसीली बुधड़ी कंदी। उन मौके से जस्टिस अतर मिंदला चो तो सूबाई असेंबली टोड़ने जो भी नोटिस वरतो वे। जस्टिस जमाल मंदोखेल खान चो तो पान मुरादो नोटिस से हू पो मुशाह दियण चाहे तो यो पान मुरादो नोटिस केस नो बणजे। जैसे चीफ जस्टिस चो तो जस्टिस जमाल मंदोखेल के सोमोटो से कुछ खदशा संदस खदशा नोट कया वह। चीफ जस्टिस चो तो आर्टिकल 224 चवे तो चूंडू 90 दिन में थन्द। वक्त तेजी से गुजरी रो है। मामलो हाईकोर्ट में हो पर को भी फैसलो न थो। पंजाब और केपी असेंबली के टुटे 6 हफ्ता गुजरी वह। आर्टिकल 224 तहत असेंबली टोड़ने के 90 दिन अंदर चूंडू थियण घुर्जन। बेंच 16 फरवरी की सिफारिशन से पान मुरादो नोटिस वठण की सिफारिश कई। अदालत चो तो चूंडू कराने वे मामले से सदर पंजाब और केपी के गवर्नर के भी बुधो वो। जस्टिस मंसूर सवाल कियो तो कें डिक्टेशन से असेंबली टोड़े सजन थियो। निमाइंदा पंजन सालन के लिए चूंडिया वेंदा है तो एक शख्स की हिदायत से असेंबली कें थी टोड़े सजे। बाद में अदालत सदर मुमलकत और गवर्नर समेत पीडीएम के समूरन सियासी जमायतों और सुप्रीम कोर्ट बार के नोटिस जारी कंदे बुधनी सुबह 11 वगे मुलतवी कर।